बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये एक कोर्स है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे मैं सारे लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहले है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। आपको नज़र आ रहा है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, डिस्क्रीट और मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथमेटिक्स जो कि डिस्क्रीट हो। तो अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट क्या चीज़ है। तो आए फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू। डिस्क्रीट फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, कि आपके क्लास में स्टूडेंट का नंबर क्या है, यानी कि तादाद क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, क्लास में स्टूडेंट कितने होंगे, हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30, 40, जो भी होंगे वो आप वैल्यू बता सकते हैं, यानी कि पार्टिकुलर वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा। तो कैसे, मतलब अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो जाहिर है 20 स्टूडेंट्स का जो एज होगा वो सेम तो नहीं होगा, तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं, टुडे इज संडे, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है। और आंसर क्या हो सकता है, या यस आर नो, या ट्रू या फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 1 और 3 है, इन दोनों का आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू है, बट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनका आंसर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन 2 की तरह आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, या टेम्परेचर के बारे में भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा आंसर, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपके पास उसका आंसर पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, तो यहाँ से जो डिस्क्रीट होंगे वो हम उसको पर्टिकुलर, डिस्क्रीट मीन पर्टिकुलर, और ये दूसरा जो नंबर होगा वो होगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन आपके पास पूरे एक रेंज होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। तो आगे जाते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देट आर फंडामेंटली डिस्क्रीट रादर देन कंटिन्यूस, यानी कि ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ये एक अलग ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स का, बल्कि जिस तरह मतलब हम और ब्रांचेस पढ़ते हैं, टपालोजी, अलजबरा, नंबर थ्योरी और इस तरह के और ब्रांचेस पढ़ते हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स का, बल्कि ये वो, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो कि डिस्क्रीट होंगे। नेक्स्ट हमारा डिफिनेशन क्या है, वो है लॉजिक। लॉजिक क्या है, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट, यानी कि इन वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट के दरमियान जो हम फर्क कर सकेंगे उसको, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम लॉजिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं सिंपल स्टेटमेंट, कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, यानी दोनों नहीं हो सकते, यानी कि ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रपोजिशन, यानी कि स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, भी कहते हैं। अब आके जरा एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल, 2 + 2 = 4, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी प्रपोजिशन है क्योंकि ये ट्रू है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इट इज संडे टूडे, कि आज संडे है, तो इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, यानी या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इफ अ प्रपोजिशन इज ट्रू, वी से दैट इट हैज ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू। If a proposition is false, its truth value is false. The truth value of true and false are respectively denoted by the letter T and F. True को हम कैसे denote करेंगे, T से, और false को कैसे denote करेंगे, F से। अब आके कोई और example पढ़ते हैं, यानी वो example जो कि proposition होंगे। For example, 1. Grass is green. तो इसका answer भी या true होगा या false होगा, क्योंकि ये proposition है। सेकेंड, 4 + 2 = 6, तो ये भी एक प्रपोजिशन है, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है, ये एक ट्रू प्रपोजिशन है। थर्ड, देर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड, के हाथ में 4 उंगलियां होती है,
नहीं यहाँ पे तो ये फाल्स है क्योंकि हाथ में तो पांच उंगलियां होती है, तो ये है प्रोपोजिशन, क्योंकि ये ट्रू है या फाल्स है। प्रोपोजिशन क्या होते हैं, या ट्रू होंगे या फाल्स होंगे। तो ये जो तीन एग्जाम्पल है ये प्रोपोजिशन है, यानी कि पहला आपके पास ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, और थर्ड जो है ये फाल्स है। अब कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि प्रोपोजिशन नहीं होंगे। पहले एग्जाम्पल क्लोज द डोर, ये एक प्रोपोजिशन नहीं है, यानी इनके बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रू या फाल्स। सेकंड देख ले, एक्स इज ग्रेटर देन टू, कि एक्स दो से बड़ा है, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि इनके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फाल्स है। थर्ड, ही इज वेरी रिच, तो इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फाल्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स अननोन है और यहाँ पे एग्जाम्पल थ्री में ही अननोन है। अगर एक्स यहाँ पे एक्स नोन हो जाए और थर्ड में ही नोन हो जाए तो फिर हम उसके बारे में कुछ कहेंगे। तो इस केस में ये जो तीनों हैं ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हम ट्रू या फॉल्स की वैल्यू नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखें, इफ द सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंस दैट मेक द प्रोनाउन आर वेरिएबल रेफरेंस क्लियर देन द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका, मतलब अब क्वेश्चन वन एग्जाम्पल वन को तो छोड़ दे, टू और थ्री को देखे, कहते हैं कि अगर एक्स यहां पे एग्जाम्पल टू में एक्स और एग्जाम्पल थ्री में ही, ये दोनों क्लियर हो जाए, यानी कुछ और स्टेटमेंट हम साथ लगाएं कि ये क्लियर हो जाए, तो फिर ये प्रोपोजिशन बन सकते हैं। कैसे, अब इसको देखे, जो वन है अगर एक्स को हम वैल्यू वन असाइन करेंगे, यानी एक्स को अगर हम वैल्यू वन दे दे तो फिर एक्स ग्रेटर देन टू, तो ये प्रोपोजिशन बन गया, क्योंकि वन टू से ग्रेटर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। यानी फिर हम इनके बारे में, यानी एक्स को अगर हम वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर हम इस प्रोपोजिशन इसके बारे में वैल्यू कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू वन, तो वन ग्रेटर देन टू, तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करें फोर, तो फोर ग्रेटर देन टू, तो फिर ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाता है। इसी तरह अब बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, यानी यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि ही क्या है, ही इज वेरी रिच, यानी ही को हमने शुरू में डिफाइन कर दिया, बिल गेट इज एन अमेरिकन, ही इज वेरी रिच, तो ये एक प्रोपोजिशन बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये ही जो है वो क्लियर हो गया कि ही क्या है, ही बिल गेट को रिप्रेजेंट करता है, बिल गेट इज वेरी रिच, तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट बन गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, इन स्टेटमेंट को तो हमने समझ लिया एग्जांपल के साथ। अब एक स्टेटमेंट, अब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को जब हम मिलाएंगे आपस में तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। तो सिंपल स्टेटमेंट्स कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास है थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लाहौर इज ए सिटी इन पाकिस्तान। तो इन दो स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया एंड से। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, द ग्रास इज ग्रीन और इट इज हॉट टुडे। देखिए ये एक स्टेटमेंट है द ग्रास इज ग्रीन, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज हॉट टुडे। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया किससे, आर से। थर्ड क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी। तो यहां पे नॉट है, तो ये एंड आर और नॉट को हम क्या कहेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब जाके इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉजिकल कनेक्टिव क्या है और इसकी मीनिंग क्या है और इसके सिंबल्स क्या हैं। तो पहले से हम क्या कहेंगे, ये जो प्रोपोजिशंस हमारे पास होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, यानी स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर पी क्यू आर एटसेट्रा। अब देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। पहला है नॉट, नॉट को हम क्या कहते हैं, निगेशन, और इसका सिंबल ये है। दूसरा है एंड, यानी एंड को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन, और इसका सिंबल ये वाला है। तीसरा है डिसजंक्शन, यानी आर, आर को हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन, और इसका सिंबल ये है। इसी तरह नेक्स्ट जो कनेक्टिव्स है वो है कंडीशनल और बाई कंडीशनल, और सिंबल इसके ये हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अब जाके उनको जरा और डिटेल से पढ़ते हैं कि हम उसको कंबाइन कैसे करेंगे प्रोपोजिशन को। जरा एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल हमारे पास है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सेकंड प्रोपोजिशन क्या है, 17 इज डिविजिबल बाय 3।
अब देखिए पी एंड क्यू यानी कि इन दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करते हैं एंड लॉजिकल कनेक्ट क्या यूज करते हैं कंजंक्शन यूज करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड यानी कि यहां पे कंजंक्शन क्या शो करता है एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3। दूसरा देखे डिसजंक्शन देखे कि इस आर सिंबल को हम कैसे यूज करेंगे, डिसजंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आर 17 इज डिविजिबल बाय 3। अब इनको छोड़ दे के स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यहां पे हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इनको हम कंबाइंड कैसे कनेक्ट कैसे करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू। तीसरा निगेशन पी, जहां भी नॉट का वर्ड यूज आए निगेशन आ जाए इसको सिंपल किस प्रपोजिशन से पहले हम ये वर्ड लगा ये सेंटेंस लगा लेते हैं, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज निगेशन का मतलब क्या होगा नॉट, यानी कि इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस पूरे सेंटेंस को हम सिंपली क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल यानी कि इंग्लिश से हम सिंबल की तरफ जाएंगे कैसे। पी आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक प्रपोजिशन है, वो क्या है, इट इज हॉट। और क्यू एक और स्टेटमेंट है, एक और प्रपोजिशन है, वो क्या है, इट इज सनी। तो ये एक सेंटेंस हमारे पास बने हुए हैं और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट हॉट यानी कि जो पी है इस पी का नॉट है निगेशन है, तो इट इज हॉट तो उसका निगेशन क्या होगा, इट इज नॉट हॉट, तो सिंपल हम नॉट लगाएंगे। दूसरा देखें इट इज हॉट एंड सनी, तो आप नजर आ रहा है कि नॉट यानी कि यहां पे एंड यूज हुआ है, तो एंड क्या है, ये कंजंक्शन है, तो क्या कैसे लिखेंगे, ये पी है और ये कंजंक्शन और ये दूसरा क्या सनी, तो पी एंड क्यू। इसी तरह दूसरा देखें इट इज हॉट आर सनी, तो आर यूज हुआ है, तो आर क्या है डिसजंक्शन है, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट हॉट यानी कि हॉट का क्या है पी के क्या है निगेशन है नॉट है, बट सनी यानी कि इट इज नॉट हॉट बट सनी यानी कि दोनों का कंजंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट देखे इट इज नाइदर हॉट नॉर सनी यानी कि ये हॉट भी नहीं है और सनी भी नहीं है, यानी कि पी का भी नॉट है और क्यू का भी नॉट है, यानी पी का भी नॉट है और क्यू का भी नॉट है, तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। एक और एग्जाम्पल जरा स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच मेरे पास एक स्टेटमेंट है एक प्रपोजिशन है, वो क्या है हमजा इज हेल्दी। दूसरा क्या है डब्ल्यू एक और प्रपोजिशन है हमजा इज वेल्दी। तीसरा एक और एग्जाम्पल है एक और प्रपोजिशन है वो क्या है हमजा इज वाइज। तो इनको जरा हम कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ये तीनों एक स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट से हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे और लॉजिकल कनेक्टिव यूज करते हैं। तो पहले देखें हमजा इज हेल्दी एंड वेल्दी यानी कि देखें हमजा इज हेल्दी यानी एंड वेल्दी यानी एच एंड डब्ल्यू आएगा, बट नॉट वाइज यानी वाइज नहीं है, देखे एस का निगेशन है बट नॉट वाइज यानी कि ये एच यानी हमजा इज हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज यानी कि इसका निगेशन है। दूसरा देखे हमजा इज नॉट वेल्दी, नॉट वेल्दी मीन यहां पे डब्ल्यू का निगेशन है तो निगेशन डब्ल्यू आएगा, बट ही इज हेल्दी एंड वाइज यानी कि हेल्दी और वाइज है, यानी कि एच और एस का कंजंक्शन आएगा यानी ये एंड। इसी तरह और देखे हमजा इज नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, मतलब तीनों का निगेशन है, इस एच स्टेटमेंट का भी निगेशन है डब्ल्यू का भी निगेशन है और एस का भी निगेशन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल टू इंग्लिश, अब हम सिंबल को यूज करते हैं और वहां से हम उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है एम, एम क्या स्टेटमेंट है अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। दूसरा है सी अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है निगेशन सी यानी कि ये जो सी स्टेटमेंट है इसका निगेशन है उल्टा है, यहां पे हमारे पास सी क्या है अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो इसका निगेशन क्या होगा अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सिंपल निगेशन है। दूसरा देखे सी आर एम यानी कि सी और एम का डिसजंक्शन है यानी आर स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, सी क्या है अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आर एम इज आर अली इज गुड इन मैथ्स, इन दोनों को आर यूज हुआ है डिसजंक्शन है। देखो सिंबल को हमने
सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। तीसरा देखे ये है एंड, यानी कंजंक्शन है एम नेगेशन सी, यानी कि एम स्टेटमेंट और सी का नेगेटिव नेगेशन। तो एम क्या है, अली इज गुड इन मैथ्स। अब यहां पे देखे ये सी का नेगेशन है, सी आपके पास है अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो यहां पे नेगेशन सी आएगा अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो हम पूरे को हम क्या लिखेंगे, अली इज गुड इन मैथ्स बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अ कन्वीनियंट मेथड फॉर एनालाइजिंग अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज टू मेक अ ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे उसको जाके हम आगे डिस्कस करेंगे। अ ट्रूथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशन। के ट्रूथ वैल्यू को चले हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या है। पहले हम पढ़ेंगे निगेशन। निगेशन क्या है, इफ पी इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल, यानी पी कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी प्रोपोजिशन है, देन निगेशन ऑफ पी क्या होगा, उसको हम नॉट पी से डिनोट करेंगे, सिंपल नॉट लगाएंगे। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इस सिंबल से, यानी पी से पहले यह सिंबल लगाएंगे। इट हैज अपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम पी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पी के अपोजिट होगी। अगर पी आपके पास ट्रू है तो ये चीज फॉल्स होगी, और अगर पी फॉल्स है तो ये चीज क्या होगी, ट्रू होगी। दैट इज पी इज ट्रू, नेगेशन पी इज फॉल्स, एंड इफ पी इज फॉल्स देन नेगेशन पी इज ट्रू। और ये इसका ट्रूथ टेबल है, देखें पी की वैल्यू अगर ट्रू है तो एफ नेगेशन पी क्या होगा, वो फॉल्स है, और पी की वैल्यू अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू है। यानी कि अगर आपके पास एक प्रोपोजिशन है तो उसके जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो दो हैं, यानी कि या ट्रू या फॉल्स। और इसी तरह अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन होंगे तो उनके चार पॉसिबल वैल्यूज होंगे, इन दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, यानी कि अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, देन कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, यानी कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज कैसे क्या कहेंगे, पी एंड क्यू, और उसको डिनोट हम ऐसे करेंगे इस सिंबल से, यानी कि कंजंक्शन ही। इट इज ट्रू, कंजंक्शन क्या होगा, ये ट्रू, यानी कि पी एंड क्यू, कंजंक्शन ट्रू कब होता है, जब ये दोनों ट्रू हो, यानी कि अगर पी ट्रू हो और क्यू ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तो प्री कंजंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अगर पी और क्यू में कोई एक भी फॉल्स हो तो ये भी, ये कंजंक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। और अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर भी इनकी वैल्यू फॉल्स होगी। यानी सिंपल वर्ड्स में ये पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे, बाकी सब केसेस में ये पी एंड क्यू फॉल्स होगा। ये देखिए एग्जांपल, आपके पास पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है तो आपके पास दो, यानी आपके पास टोटल चार ऑप्शन हो सकते हैं, या दोनों ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो अब हम जाके एक्सप्लेन करते हैं कंजंक्शन को। मैंने डिफिनेशन में आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, जब दोनों आपके पास ट्रू होंगे। यहाँ पे देखें दोनों ट्रू है तो पी एंड क्यू भी ट्रू है, और बाकी केसेस में दोनों ट्रू, चूंकि दोनों एक साथ ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, डिसजंक्शन। इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, यानी कि पी और क्यू कोई से दो प्रोपोजिशन हैं, देन डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी आर क्यू, और डिनोट करेंगे इस सिंबल से पी आर क्यू। और ये ट्रू कब होगा, यानी पी आर क्यू ट्रू, एक ट्रू कब होगा कि अगर इस पी और क्यू में से कोई एक ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू होंगे तो तब भी ये ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स कब होगा, सिर्फ एक केस में फॉल्स हो सकते हैं कि अगर ये दोनों फॉल्स हो। ये देखें पी क्यू एक दो प्रोपोजिशन है, ये इसका पी आर क्यू है, ये ट्रू कब होगा, मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रू तब होता है जब इस पी और क्यू में से कोई एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। तो देखें दोनों ट्रू है तो ट्रू, कोई एक ट्रू है तो ट्रू, कोई एक ट्रू है तो ट्रू। यह फॉल्स कब होगा, जब पी और क्यू दोनों में से दोनों फॉल्स होंगे तो तब जाके ये फॉल्स होगा। तो नेक्स्ट अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक आध क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी आप इसको खुद सॉल्व करें, अगर कोई मसला हो तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर प्रोपोजिशन,
कि ये जो ए बी सी डी ई एफ में है इनमें से कौन सा प्रोपोजिशन है और कौन सा नहीं है, और अगर प्रोपोजिशन है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। पहला है इस्लामाबाद इज द कैपिटल, इन्हीं के प्रोपोजिशन क्या होंगे। सिंपल प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट है अगर आप उसके ट्रू या फॉल्स के बारे में बता सके, यानी कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहला क्या, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो जाहिर है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, तो ये प्रोपोजिशन है। दूसरा है, दूसरा भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सी जो पार्ट है 2 + 3 = 5, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे तो ये ट्रू है, ये प्रोपोजिशन है। थर्ड यानी कि डी पार्ट, ये भी प्रोपोजिशन है। अब ई पार्ट को जरा देखें, ई पार्ट में x + 2 = 11, तो इसके बारे में ट्रू या फॉल्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट है एफ, आंसर दिस क्वेश्चन, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। इस तरह आप ये देख ले और उसको स्टडी करें। आई थिंक ये तो बहुत क्लियर है, फिर भी कोई मसला हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।